थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केडीयूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला और बात करेंगे मनोहर सरकार तरक्की अपार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दो दिवसीय यमुनानगर दौरे के दौरान जनसंवाद कार्यक्रमों पर खास फोकस रहा। प्रतापनगर और छछरौली में जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों से दिल खोलकर बात की और समस्याओं के निवारण किया। वहीं जगाधारी विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। बता दें कि जगाधारी 41,000 स्ट्रीट लाइटों से जगमग होगा। वहीं दूसरे दिन पाबनी कला सहित कई अन्य जगहों पर मुख्यमंत्री ने जनसंवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में हमारी सरकार में दोगुने काम हुए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दो दिवसीय यमुनानगर दौरा, सीएम का जनसंवाद कार्यक्रमों पर खास फोकस। प्रतापनगर और छछरौली में जनसंवाद कार्यक्रम, जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री से लोगों ने दिल खोलकर की बात। जनसंवाद कार्यक्रमों में समस्याओं का किया निवारण। अधिकारियों को समस्याओं के निवारण के दिए निर्देश। जगाधरी में लगाई जाएगी 41,000 स्ट्रीट लाइटें। कहा पिछली सरकार की तुलना में दोगुने हुए काम। दूसरे दिन पाबनी कला में मुख्यमंत्री ने किया जनसंवाद। जनसंवाद कार्यक्रमों पर फोकस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इन दिनों जनसंवाद कार्यक्रमों पर खास फोकस है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर पहुंचे। यहां प्रतापनगर और छछरौली में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को उनकी परेशानियों के निवारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के छछरौली में आयोजित जनसंवाद में कहा कि हमारी सरकार ने 80 साल के आयु के बुजुर्गों की देखभाल और सेवा का बीड़ा उठाया है। सेवा आश्रम योजना के तहत जिन बुजुर्गों की आयु 80 साल से अधिक है और वे अकेले रहते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। शुरू में 10-10 लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। छछरौली में आम जनता से रूबरू होते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में दोगुने काम किए हैं। ये सभी काम पहले से भी कम खर्च में हुए हैं। आज लाभार्थियों तक सीधे उनके अकाउंट में योजनाओं का पूरा पैसा पहुंचता है। मुख्यमंत्री से लोगों ने दिल खोलकर की बात। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतापनगर वासियों के लिए कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे तो जनमानस में खुशी की लहर दौड़ गई। जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से दिल खोलकर बात की। उन्होंने लोगों की बातों को धैर्यपूर्वक सुना।
जो समस्याएं स्थानीय स्तर की थी उन्हें सीएम ने मौके पर अधिकारियों को खड़ा कर उन्हें पूरा करने के आदेश दिए। वहीं कुछ मामले ऐसे थे जो प्रदेश सरकार से संबंधित थे, उन्हें मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में अधिकारियों को हल करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में अभी तक हर साल 700 MBBS के एडमिशन हुआ करते थे, लेकिन इस समय 1985 एडमिशन होते हैं और अगले 4 सालों में 3,500 MBBS के एडमिशन हुआ करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जैसे जैसे डॉक्टर तैयार होंगे, अस्पतालों में नियुक्त किए जाएंगे ताकि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर हो सके। जगाधरी में लगाई जाएगी 41,000 स्ट्रीट लाइटें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि जगाधरी में 41,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे पूरा शहर जगमग होगा। उन्होंने लोगों की मांग पर यमुनानगर जगाधरी के अस्पतालों में MRI की सुविधा दिए जाने के आदेश दिए। वहीं आलूवाला गांव में सेवानिवृत्त कप्तान ने बताया कि उनके गांव का शमशान घाट बुरी हालत में है, संस्कार के लिए लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस पर मुख्यमंत्री ने ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी को तुरंत कार्रवाई कर शमशान घाट की चार दीवारी बनाने, शमशान घाट तक आने जाने का रास्ता पक्का करने के आदेश दिए। JBT शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने दिया भरोसा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रमों के तहत 32,000 के लगभग समस्याएं सामने आई हैं, जिसमें से 7,000 को हल किया गया है। उन्होंने बताया कि जनसंवाद कार्यक्रम में जहां सरकार की उपलब्धियां एवं योजनाएं लोगों को बताई जाती है, वही लोगों की समस्याएं भी पता चलती है, जिनका समाधान किया जाता है। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में भारी संख्या में JBT शिक्षक पहुंचे। उन्होंने तबादला नीति को लेकर मुख्यमंत्री से बात की, जिस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उन्हें दिवाली का तोहफा दिया जाएगा। इसके बाद JBT शिक्षकों ने मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाए और उनका धन्यवाद किया।
वहीं जगाधरी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद से पहले प्रगतिशील किसान धर्मवीर द्वारा विकसित मशीन का निरीक्षण किया। बता दें कि स्वदेशी तकनीक से विकसित मशीन सफाई व्यवस्था और स्प्रे करने में कारगर है। सीएम ने अधिकारियों को इस मशीन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं दूसरे दिन यमुनानगर के पापनी कला पहुंचे मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आम जनता की समस्याएं सुनी। उन्होंने कार्यक्रम से पहले स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का अवलोकन किया। यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे मूड में नजर आए। जनता से बड़े हल्के फुल्के अंदाज में संवाद शुरू किया तो जनता ने भी उनको अपना अभिभावक मानकर खुले मिजाज से उनसे जुड़ाव बनाया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने प्रशासकीय कार्यों के अलावा पार्टी के लोगों से भी लगातार संपर्क बना रहे हैं। विगत दिनों उन्होंने अपने निवास संत कबीर कुटीर पर हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिलों के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। सरकार ने पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देने की शुरुआत की है ताकि वो मुख्यधारा में आकर समाज का हिस्सा बन सके। सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को समय पर सहायता देकर उनके जीवन को सरल किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।